हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों, आज मैं एक मराठी मूवी के सॉन्ग को रिएक्ट करने वाला हूँ और मूवी का नाम है वेड, जिसके प्रीवियसली मैं 3 सॉन्ग रिएक्ट कर चुका हूँ गाइज। और बहुत ही बेहतरीन एल्बम है मूवी का, हमें पता है अजय अतुल सर का म्यूजिक है और इसके अंदर रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख दोनों ही एक्टिंग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं और रितेश देशमुख सर का डायरेक्शन भी है। तो ये सॉन्ग का नाम है सुख कड़ाले। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले सॉन्ग देख लेंगे और फिर करेंगे चर्चा कि ये सॉन्ग कैसा है। और इसे गाया है श्रेया घोषाल ने, जो कि बहुत ही बेहतरीन सिंगर है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सॉन्ग सुनने के लिए। तो चलो यार, पहले सॉन्ग देख लेते हैं। चलो प्रेमाची नवी परिभाषा। ओहो, ओहो, ऋणानुबंधात गीत गंधात मी आनंदात आज गाईले। पीछे एको आ रहा है, वो बहुत जबरदस्त लग रहा है इफेक्ट, बहुत सही। ओके, तो फाइनली सब सही हो रहा है दोनों के बीच। ओके, स्कूल के टाइम का याद आ रहा है उसको। म्यूजिक या ओहो, वॉयलिन यार जबरदस्त। प्रार्थना होती सात जन्मांची, भाग्य हे जन्मो जन्मी कोरुन घ्यावे माध्याला, पूर्तता झाली सोन पायाने, आज सौभाग्याचे क्षण आले माझ्या वाट्याला। ओहो, वेड 30 दिसंबर थिएटर्स में, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट पता नहीं कि यहाँ पे मूवी लगेगी कि नहीं लगेगी गुजरात में, लेकिन मैं होपफुल हूँ कि यह मूवी लगे। तो मैं डेफिनेटली इसको देखना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मूवी लग रही है। सॉन्ग्स बहुत 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 ही बेहतरीन है। और अगर इस पर्टिकुलर सॉन्ग की बात करूँ तो यार बहुत ही बेहतरीन कंपोजिशन, जैसे कि हमें पता ही है कि भाई अजय अतुल सर का म्यूज़िक है तो कुछ यूनिक ही करके लाएंगे म्यूज़िक के अंदर। और
इसके अंदर भी उन्होंने वही किया है कि मतलब जिस हिसाब से श्रेया घोषाल मैम की वॉइस है, मतलब हमें पता है कि इतनी मेलोडियस वॉइस है उनकी, लेकिन उसकी वॉइस को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना म्यूज़िक के अंदर कहीं ना कहीं वो भाई अजय अतुल सर ही कर सकते थे, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसके अंदर भी करके दिखाया है। वो जो बीच में जो पोर्शंस थे जहाँ पे जो एंड में जो श्रेया घोषाल मैम की वॉइस जो इको कर रही थी, वो इफेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, और बीच में जो वॉयलिन का जो बेस है उन्होंने इंक्रीज़ किया वो बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सॉन्ग की कि उन्होंने इसको जैसे, ये तो हमें पता है कि ऑर्केस्ट्रल अप्रोच हमेशा रखते हैं जतुल सर, लेकिन इसके अंदर उन्होंने उसको ओवर पावर नहीं किया बल्कि उसको एक लिमिट में रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ये रोमांटिक सॉन्ग है तो उन्होंने कहीं ना कहीं श्रेया मैम को वो आगे की सीट दी थी कि भाई उनकी आवाज़ ये सॉन्ग को ड्राइव करे, और कहीं ना कहीं जो म्यूज़िक है उसको उन्होंने सटल रखा था, पीछे रखा था, लेकिन स्टिल उन्होंने जितने सारे इक्विपमेंट यूज़ किए और उसको ऑर्केस्ट्रल टच दिया वो हमें नज़र आता है, जो कि ऑब्वियसली सिग्नेचर है अजय अतुल सर का। और सॉन्ग बहुत बहुत बेहतरीन उन्होंने बनाया है। और अगर वीडियो की बात करूँ कि भाई उसमें चल क्या रहा है, तो इसमें ऑब्वियसली पता चल रहा है कि फाइनली जो रितेश और जेनिलिया के बीच में जो बॉन्डिंग नहीं थी वो बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है इस सॉन्ग के अंदर। और हो सकता है कि ये वेड लावला के बाद का ही हो ऑब्वियसली मूवी के अंदर, जहाँ पे सलमान सर जब समझा देते हैं उनको सॉन्ग के अंदर कहीं ना कहीं, तो हो सकता है उसके बाद का हो जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि भाई रितेश और जेनिलिया दोनों की बॉन्डिंग अब बन रही है, जो कि सॉन्ग में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है। जो स्लो मो इन्होंने यूज़ किया है वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और ओवरऑल जो म्यूज़िक वीडियो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि मूवी के अंदर वो कहाँ पे प्लेस होगा, तो जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बस होपफुली यहाँ मूवी लगे। और सॉन्ग तो मैंने बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आपको ये सॉन्ग कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो। मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।